नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीटर की रीडिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मीटर को शून्य पर सेट कर लिया जाता है। इसके बाद मीटर समय दिखाता है, जो कि इस समय 11:50 हो रहा है। आप देख सकते हैं मीटर के डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो रहा है। इसके तुरंत बाद मीटर द्वारा दिनांक दिखाता है कि किस तारीख को रीडिंग ली जा रही है। इसके तो आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2021 को रीडिंग ली जा रही है। इसके तुरंत बाद मीटर उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई बिजली के यूनिट को दिखाता है। उपभोक्ता द्वारा 4285 यूनिट की खपत किया गया है। इसके बाद मैक्सिमम डिमांड दिखाता है, जो कि उपभोक्ता के मीटर में शून्य है। मीटर द्वारा बिजली का बिल बनाने के लिए हमें केवल मीटर की रीडिंग KWH में तथा मैक्सिमम डिमांड अर्थात लोड, यानी कि इस मीटर के द्वारा कितना लोड कितने लोड को जोड़कर उपभोक्ता के द्वारा चलाया जा रहा है, केवल उसकी आवश्यकता होती है। इन्हीं दोनों यूनिटों के द्वारा बिजली का बिल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आप ऊपर में लगे काले बटन को दबाकर पुनः दोहरा सकते हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हैं 0 हो गया है। तो ये प्रक्रिया बार बार हमारी चलती रहती है। पुनः आपको समय दिखाएगा, फिर उसके बाद दिनांक दिखाएगा। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा मीटर से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।